हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी स्पेशल भी होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका मोनेटाइजेशन चाहे ऑन ना हो, विदाउट मोनेटाइजेशन ऑन आप अपने यूट्यूब चैनल से पैसा अर्न कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या करना होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आप विदाउट मोनेटाइजेशन उनके भी अपने यूट्यूब चैनल से पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल आसान है, या आप खुद से कर सकते हैं, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं। बस जो मैं बता रहा हूँ उस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पास एक यूट्यूब चैनल क्रिएट होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप वीडियोज़ बनाकर वहाँ पर पब्लिश कर सकें। यानी कि आपकी जो भी वीडियो, जिस पर टॉपिक, सबसे पहली बात आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपकी जो भी क्षेत्र में अगर आपका वीडियो अच्छा है और आपके वीडियो पर व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो आप टॉपिक कुछ भी ले सकते हैं, किसी पर भी टॉपिक पर भी आप वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास यूट्यूब चैनल होना चाहिए। दूसरी बात रहे सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर चाहे कितने भी हो, आपके चैनल पर व्यूज़ अच्छे आने चाहिए। यानी कि आपके जो वीडियोज़ हो, चाहे कोई भी, जैसे मैंने बताया कि टॉपिक कुछ भी हो, व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, ठीक है। आपके चैनल पर व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, अच्छी खासी व्यूज़ आपके यूट्यूब चैनल पर होनी चाहिए। रही तीसरी बात, जब आप अपना YouTube चैनल क्रिएट कर गए होंगे, तो वहाँ जो अबाउट सेक्शन होता है, वहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी रखनी है, ठीक है, जो YouTube से ही रिलेटेड होनी चाहिए, यानी YouTube लिंक होनी चाहिए आपकी मेल आईडी, ठीक है। और उसी मेल आईडी को आपको कॉपी कहाँ करना है, अपने हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट अस कर वहाँ पर अपनी मेल आईडी को डिस्क्रिप्शन में रखना है, ताकि कोई भी व्यक्ति आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। अब रही अर्निंग की बात, तो कैसे होगी अर्निंग, चलिए यहाँ पर आपका जो जो चीज़ आपको ज़रूरत थी वो मैंने बता दी, अब यहाँ से अर्निंग कैसे होगी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके चैनल पर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो जो स्पॉन्सर वाले लोग होते हैं, जिन्हें अपनी एप्लीकेशन या कुछ भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर करना है, ठीक है, यानी उनका प्रचार प्रसार करना है, वो आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसके चैनल पर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं और इसके ज़रिए हम हमारी प्रोडक्ट को, अपने जो भी प्रोडक्ट होता है उसे प्रमोट करवाते हैं, ठीक है। तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं मेल के ज़रिए, या तो आप मोबाइल नंबर तो ना ही दें तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वैसे परेशान करते हैं। तो आप अपनी मेल आईडी दीजिए, उसके ज़रिए वो कांटेक्ट करते हैं। मेल आप डेली चेक कीजिए, क्या मेल आया है, अपडेट्स, जो भी सारी जानकारी आपको मेल्स पर मिल जाएंगी। तो जब कोई प्रोडक्ट प्रमोट करवाना होता है कुछ लोगों को, तो वो आपको उस चीज़ का पैसा भी देंगे। आप अपनी वीडियो का टारगेट बनेंगे कि मैं एक वीडियो पर इतने पैसे लूँगा, ठीक है। आपको उसके प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में, इंट्रो में, या तो इंट्रो में बताना है या बीच में बता देना, आपको प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी प्रमोट करना है, ठीक है, वीडियो का प्रमोट करना है आपको, या सॉरी प्रोडक्ट का प्रमोट करना है, जिससे कि क्या होगा, अगर सामने वाले का प्रोडक्ट अच्छा खासा सेल होता है, तो उससे आपको हो सकता है वो परसेंटेज में भी आपको पेमेंट करे। वैसे तो आप वीडियो का आपका पेमेंट मिल ही जाएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में उस प्रोडक्ट का प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उससे प्रमोट कर रहे हैं। तो जब कोई भी बंदा आपसे वीडियो बनवाएगा किसी भी क्षेत्र में, या आपकी जो वीडियो, जैसे मैंने बताई कि स्टार्टिंग में आपके वीडियो पर व्यूज़ अच्छे खासे आने चाहिए, ताकि कोई भी बंदा रहेगा कि यार इस चैनल पर हम हमारे प्रमोट के लिए देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो प्रमोट के लिए प्रोडक्ट रहता है उसे आप खुद रख भी सकते हैं, उसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर प्रमोट करवाना चाहते हैं तो आपको दे ही देगा कि इसे आप रखिए और इसे आप प्रमोट कीजिए, ठीक है, गिफ्ट के ज़रिए वो आपको दे देते हैं, और उसके ज़रिए आपका वो जो प्रोडक्ट होता है उसे आपको प्रमोट करना होता है। तो ये रही अर्निंग की बात, कि आपको इस तरीके से अर्निंग बिल्कुल अच्छी खासी हो सकती है। देखिए, अगर आपने प्रोडक्ट को प्रमोट अच्छे से किया, और जिस भी बंदे का वो प्रोडक्ट है अगर वो अच्छा सेल हुआ, उसकी मार्केटिंग अच्छी हुई, या जो भी परचेस अच्छा खासा हुआ उस प्रोडक्ट का, तो हो सकता है कि वो आपको और भी आगे प्रोडक्ट दे, और उसके प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है, और आप उसके हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए आप किसी वीडियो का 10,000 रुपये ले रहे हैं एक वीडियो बनाने का, तो आगे चलकर आपको पेमेंट बढ़ाने की भी छूट रहती है, क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आपके ज़रिए उसका प्रोडक्ट जो कि है बिक रहा है और अच्छा खासा उसका सेल हो रहा है। तो इस तरीके की अर्निंग करने के लिए आपको यूट्यूब पर चैनल बनाना है, अच्छे खासे व्यूज़ लेना, क्षेत्र कोई भी आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि आपके चैनल पर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आपके हर वीडियोस को देखा जा रहा है। तो जब आपकी हर वीडियोस को देखा जाएगा, तो हर वीडियोस में होने वाले जो प्रोडक्ट का प्रमोट है वो भी आप दिखाएंगे सभी को, अपने जो व्यूवर्स हैं उनको भी दिखाएंगे, तो 10 में से अगर
चार या पांच बंदे भी उस प्रोडक्ट की जानकारी लेना पसंद करते हैं, तो जो आपसे प्रमोट करवाते हैं उन्हें अच्छा लगता है कि उनके प्रोडक्ट की कोई जानकारी लेना चाह रहा है या उन्हें कोई ख़रीदना चाह रहा है। तो आगे आपको इस तरीके के काम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप यूट्यूब की अर्निंग को तो एक साइड ही रख दीजिए, इससे ही आप बहुत सारी अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को बिना मोनेटाइजेशन के भी उपयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल निराश नहीं होएगा कि आपके चैनल पर अर्निंग नहीं हो रही है। ठीक है, आपके पास बस एक चैनल होना चाहिए जिस पर अच्छे खासे व्यूज़ हो। तो ये अर्निंग करने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर चाहे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके ऐसे चैनल जिस पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहे हैं तो आप वहाँ पर इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आपकी अर्निंग हो सकती है। तो यही बताने के लिए आज की वीडियो बनाई थी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।